कपड़ा होना चाहिए स्वच्छ और सुंदर, ऐसा लगे कि बाहर से कोई लोग आवे तो देखे कि एक आदर्श मॉडल गांव है। हमारे गांव का सड़क बढ़िया होना चाहिए, नाली बढ़िया होना चाहिए, बिजली आए तो गांव हमारा बढ़िया होगा। गांव के सतत और सर्वांगीण विकास की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। गांव के विकास से ही ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा, जिसके चलते गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर रोकथाम हो सकेगी। ग्रामीण भारत में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही गांव की तस्वीर बदल सकती है। सरकार की तरफ से इस दिशा में कई सार्थक कदम उठाए गए हैं। पहले से चल रही कुछ परियोजनाओं के अलावा और कुछ नई परियोजनाओं कार्यक्रमों को शुरू करने की कोशिशें भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद आकांक्षात्मक जिला है। अपेक्षाकृत पिछड़ा जिला होने के कारण मिर्जापुर के गांव में विकास और बदलाव की गति तेज करने की हर संभव कोशिश शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। जनपद मिर्जापुर के विकास खंड नारायणपुर अंतर्गत शासन के शीर्ष प्राथमिकताओं में जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उनके साथ साथ जितने हमारे कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि विकास के हर बिंदु पे हमारी प्रगति अग्रणी रहे। उदाहरण के लिए अभी शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो और एकीकृत सेवाएं उन ग्राम सचिवालयों से प्राप्त हों, जिससे कि सिटीजन चार्टर के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिकों को एक निर्धारित अवधि में सेवाएं प्राप्त होंगी और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं या शिकायतों या योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर दराज से चल करके विकासखंड मुख्यालय पर नहीं आना होगा। इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिदिन के रोस्टर भी बनाए गए हैं और यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि रोस्टरवार कर्मचारी ग्राम पंचायतों के सचिवालयों पर बैठें और लोगों से जनता दर्शन आदि का संवाद करें। आज हम मिर्जापुर जनपद में बदल रहे गांव की तस्वीर देखने के लिए चल रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के विकास क्षेत्र नारायणपुर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा में और साक्षी बनिए गांव की बदलती सूरत की। जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर की यात्रा के पहले पड़ाव विकास क्षेत्र कार्यालय परिसर में हम पहुंचे। यह है नारायणपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर। इस परिसर का भी कायाकल्प हो चुका है। कार्यालय में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति बनाई जाती है और रणनीति का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के विकास के लिए किया जाता है। विकास क्षेत्र के गांव में दुआरे सरकार के तहत पंचायत भवन का निर्माण कराकर वहां मिनी सचिवालय बनाए गए हैं। गांव की सरकार चलाने में और ग्रामीणों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मिनी सचिवालय की अहम भूमिका है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। पंचायत भवन मिनी सचिवालय को देखने और वहां मिल रही सुविधाओं की जानकारी के लिए नारायणपुर विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेढ़ुआ की ओर हम चल रहे हैं। यह है ग्राम पंचायत टेढ़ुआ का पंचायत भवन,
जहां एक छत के नीचे ग्रामीणों को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मिनी सचिवालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए हर तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मेरे पंचायत भवन पे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास शौचालय का फॉर्म भरा जाता है। ग्रामीण लोग आते हैं और मैं उनको इन योजनाओं के बारे में बताती हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। पंचायत भवन में मैं आया था लेबर कार्ड बनवाने के लिए, फार्म वार्म भर दिया हूँ और सब ओके हो गया है। गांव को स्वच्छ रखने और स्वच्छता अभियान की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत टेढ़ुआ में ODF प्लस को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखलाई पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ODF प्लस अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों में ODF को स्थिर बनाए रखने के लिए हमने मानव मलकित व्यवस्था कर ली। अब उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की तरफ कार्य कर रहे हैं। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत जो ठोस कूड़े हैं उनका उचित निस्तारण तथा सेग्रीगेशन और लोकल वेंडरों के द्वारा उसकी मार्केटिंग कर गाँव की आय बढ़ाई जा रही है। इसी तरह ग्राम पंचायतों में जो गंदे पानी है, ग्रे वाटर, और हैंडपम्पों के द्वारा जो पानियाँ निकलते हैं, घरों के द्वारा जो गंदे पानी निकल रहे हैं, उसको सोखते गड्ढे में कन्वर्ट करके भूमि के अंदर डाला जा रहा है, जिससे वो रिचार्ज का भी काम करता है और गंदगी से हमें निजात मिलती है और विभिन्न प्रकार के जो रोग जल जनित बीमारियाँ उससे हम सुरक्षित रहते हैं। ग्राम पंचायत टेढ़ुआ का सर्वांगीण विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भूगर्भ जल संरक्षण के लिए गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संरक्षण का बेहतरीन कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये वाटर लेवल बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें ऊपर से पानी पंचायत भवन के छत से पानी नीचे आता है और पहला टंकी में जाएगा, वहाँ से बड़ी वाली टंकी में जाएगा और फिर जो ज़मीन के अंदर जाएगा, इससे वाटर लेवल बढ़ता है। और बोरिंग किया गया है इसके लिए, धीरे धीरे पानी उसमें पाइप में जो छोटा छोटा छेद रहते हैं उसके माध्यम से ज़मीन में पानी जाता है, वाटर लेवल इससे बढ़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का संचालन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत टेढ़ुआ में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत पशुपालकों के लिए कैटल शेड का निर्माण कराया गया है। इस अभियान से जहां ग्रामीणों को रोजगार मिला, वहीं पशुपालकों के पशुओं के लिए एक अदद छत भी मुहैया हो सकी है। मैं गांव के नागरिकों को मतलब रोजगार देता हूं, पहले जॉब कार्ड बनवाता हूं, फिर उसके बाद वो लोग आवेदन करते हैं काम के लिए, उसके बाद हम उनको मतलब कार्य देते हैं, साल में 100 दिन का काम मतलब उन लोगों को देते हैं। योजना के तहत गांव वालों को पशुपालन के लिए गौशाला दिया गया है, ये पशु पाल रहे हैं। ग्राम पंचायत टेढ़ुआ में हुए विकास कार्यों की जानकारी लेने के बाद अब हम चलते हैं यात्रा के अगले पड़ाव ग्राम पंचायत खजुरौल, जहां विकास कार्यों से रूबरू होंगे हम। यह है ग्राम पंचायत खजुरौल का पंचायत भवन। बेहद आकर्षक दिखने वाले पंचायत भवन में मिनी सचिवालय गांव की सरकार चलाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। जो पंचायत भवन ग्राम
पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे हैं उसमें सभी विकास की कड़ियाँ हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत में जितनी भी योजनाएं हैं जैसे परिवार स्ट्रक्चर नकल हो, जन्म मृत्यु हो, और इसमें लेखपाल भी बैठेंगे, आशा आंगनबाड़ी भी बैठेंगी, ताकि ग्राम पंचायत के लोगों को जो कचहरी से लेकर ब्लॉक तक दौड़ना पड़ता था उनको सारी सुविधाएं पंचायत स्तर ही प्राप्त हो सकें और उनको आने जाने की असुविधा से बचना पड़े। उसमें है कि देखिए वहीं पर बैठे बैठे कोई भी लाभार्थी आता है, जन्म मृत्यु के लिए आता है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है, परिवार स्ट्रक्चर नकल मिल जाता है, खसरा खतौनी मिल जाएगा, और वहीं पर जो है उनको आंगनबाड़ी से भी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वहां पर मिल जाएंगी, पुलिस वाले भी बैठेंगे, उनको जो जनमानस की सुविधा होगी वहां से उनको दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे यहां जो पंचायत बनाया गया उस पर एक सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए एक पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ही सारे जो है कि योजनाओं को अपने एंट्री किया जाता है, और वो जो है एंट्री करते करके अपने यहाँ वो रखते हैं, और जब कोई भी जनता आती है उस जैसे विधवा हो, वृद्धा हो, विकलांग पेंशन हो, इन सब योजनाओं को जो है वो निकाल करके वहीं पर जो है कि उनका एंट्री कर देते हैं, उनको जो है कि साइबर कैफे या कहीं सहज जन सेवा केंद्र पर जाना नहीं पड़ता है। खजरौल गांव में स्वच्छ भारत अभियान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं स्वच्छता से संबंधित अन्य कार्य कराए गए हैं। हमारे यहाँ छानवे ग्राम पंचायत है, हम लोग ODF कर लिए हैं पूरे विकास खंड का, अब ODF प्लस में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग डस्टबिन, सोखता गड्ढा और इसका वर्मिंग खाद ODF प्लस में हमारा विकास खंड नारायणपुर अग्रसर है और ग्राम पंचायती में काम जारी है। लोगों के गांव में जो भी व्यक्ति समाज में हैं सब लोगों की एक आदत बन गई है अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर गांव रखना। ग्राम पंचायत खजरौल के बाद अब हम चल रहे हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव ग्राम सभा पथरौरा। ग्राम सभा पथरौरा में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए गए हैं। यह है मिर्जापुर जनपद के विकास क्षेत्र नारायणपुर का गांव पथरौरा। आइए यहां ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं की वानगी को महसूस करते हैं। ग्राम पंचायत पथरौरा में बहुआयामी विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए आने जाने के लिए पक्के मार्गों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर विकास कार्य के रूप में नाली, खड़ंजा एवं जो है सफाई कार्य सारे चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ जो रोगे हैं, जो यहाँ की रोग है, गलियाँ हैं जो सेचुरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर अन्य जो विकास कार्य बचे हुए हैं उनको कराया जा रहा है, कुछ दिनों में सेचुरेट हो जाएगा सारा ग्राम पंचायत। पथरौरा गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए बंद नाली का निर्माण कराया गया है, जिससे कि रास्तों पर गंदगी ना फैले। इसके अलावा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। ग्राम पंचायत पथरौरा में अंजर गांव नाली बनी हुई है, ऊपर जो इंटरलॉकिंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है, अन्य अब जो बचे अवशेष जो है कंप्लीट करा दिए जा रहे हैं, कार्य चल रहा है। ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ग्रामीणों को आवास और गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। घर और गैस चूल्हा से उनके जीवन में बदलाव महसूस किया जा सकता है। प्रसाद
परेशानी रहल तो गैस मिलल बा तो अब सुविधा बा। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, जो कि औरतें गरीब महिलाएं गोबर के गैस गोबर के उपली पर पकाती थी खाना, उनको आँख खराब हो जाते थे, जिससे गैस सिलेंडर मिलने से उनके आँखों में की रोशनी जो खराब हो जाती थी वो अब नहीं खराब होगा, जिससे उनको काफ़ी सुविधाएं हुई और वो अपना कार्य सुचारू ढंग से करने लगी। इससे उनकी परेशानियाँ दूर हो गई और वो जो कि दर दर भटक कर लकड़ी के लिए भटकती थी और ईंधन के लिए भटकती थी, अब भटकना खत्म हो गया। पथरौरा के पंचायत भवन में मिनी सचिवालय से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने पंचायत सहायक से संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यह पंचायत भवन है, इसे मिनी सचिवालय कर दिया गया है। यहाँ पे ग्रामीण आते हैं अपने योजनाओं को पूछने के लिए और हमें उन्हें हम बताते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सारे काम होते हैं। वृद्धा पेंशन जो है बना हुआ है और बाहर कहीं जाना नहीं, हमारे गांव ही में पंचायत भवन पर जो है बन रहा है, सुविधा है, जाने की परेशानी नहीं है। यहाँ रिन्यूअल के लिए आए हैं, जो मोदी सरकार सूचना दिए हैं उसी आधार पर। पथरौरा में भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बकरी पालन शेड का निर्माण किया गया है। लाभार्थी इस कैटल शेड का लाभ ले रहे हैं। हमारे पास बकरी थी, वो ऐसे ही मैदान में रहती थी, खुले में पूरा मकान नहीं था। अब सरकार की तरफ से ये मिला है बकरी शेड, अब उसमें बकरियां मतलब कायदे से रह रही हैं और मनरेगा का जो मजदूरी होता है वो मिल गया है, बाकी और मिल जाएगा। ग्रामीण भारत के विकास और बदलाव की दिशा में उठाए गए कदमों से गांव में व्यापक स्तर पर बदलाव परिलक्षित हो रहा है। ग्रामीणों को स्वच्छता के विभिन्न आयामों के अलावा सभी आवश्यक सुविधाएं व सहूलियतें उनके गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे विकास खंड में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शुरू से लेकर आज तक हर ग्राम पंचायतों में मानव मल को निपटान के लिए घर घर शौचालय बनाए गए हैं और आज हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत के घर घर में शौचालय बन चुके हैं। कभी कभी ग्राम पंचायत में होता है कि बाहरी जैसे कोई व्यक्ति आ जाते हैं, बारात आ जाती है या अधिक लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। सामुदायिक शौचालय में बाहर से आने वाले लोगों को या जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन शौचालय नहीं बन पाया है, उनके लिए वो शौचालय प्रयोग के लिए दिया गया है, ताकि जो है कि बाहर शौच न कर सके और गांव की स्वच्छता बनी रहे। इसका दूसरा आयाम है, हमने SLWM में किया है ठोस द्रव अवशिष्ट प्रबंधन। इसके लिए हम लोगों ने द्रव के लिए जो गीले हैं, इसके लिए हमने जो गाँव की नालियाँ हैं या हैंडपम्प के पानी है, इसके लिए हम लोग हर हैंडपम्प के पास सूखते गड्ढे का हमने निर्माण कराया है और पशुओं के मल निपटान के लिए ग्राम पंचायत ने कंपोस्ट गड्ढे एवं बर्मी कंपोस्ट दोनों बनवाए गए हैं, ताकि जो है कि वो इधर उधर न जा करके वो खाद के रूप में प्रयोग हो सके और गांव में गंदगी भी न फैले। तीसरा है, गांव में हम लोग ये क्या है कि घर घर से कूड़ा लेने के लिए हम लोग कूड़ा ट्राली का जो है कि क्रय किया गया है ग्राम पंचायत में और उस कूड़ा ट्राली के माध्यम से हम लोग घर घर जा करके दो टोकरी दिए हैं। हर घर के पास दो टोकरियाँ हैं, एक में गीला और एक में सूखा कचरा रहता है
और हम लोग बाहर गांव के बाहर एक पॉलीथीन बैंक बनवाए हैं। उस पॉलीथीन बैंक में गांव के प्लास्टिक और कचरे डाल दिए जाते हैं और जो सूखे कचरे होते हैं उनको टैंक कंपोस्ट गड्ढे में डाल दिया जाता है और उस तरीके से गीले को जो है कि गीले कचरे वाले डब्बे में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ और सफाई के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि गाँव के घरों का पानी है उस पानी को नालियों और शिवर के माध्यम से गाँव के बाहर निकाल दिया जाता है और घर घर में भी है कि जो नालियाँ हैं घर घर के पानी को नालियों से कनेक्ट करते हुए बाहर देता है। हमारे यहाँ किसी भी ग्राम पंचायत में पूरी व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं भी सड़क पर किसी भी घर का पानी न आवे जिससे मक्खी मच्छर जनित रोग का प्रकोप गाँव में न हो सके। ग्रामीणों को रोटी कपड़ा और मकान की दरकार है। इस बुनियादी जरूरतों के साथ ही पंचायती व्यवस्था में मेरा गांव मेरी सरकार की सोच के साथ पेयजल स्वच्छता शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी समस्याओं का निदान अब गांव में ही उपलब्ध हो जा रहा है। ये उपलब्धता द्वारे आई योजना की अवधारणा को बल देता है।